नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, ये मैंने बनाई है ट्रम्पेट की टोन बनाई है ये मैंने। तो पहले मैं इसका डेमो पीस दिखा देता हूँ, किस तरीके का इसका डेमो पीस है। इसमें ट्रम्पेट हमारा अगर आप देखेंगे तो ट्रम्पेट वन ये देख रहे हैं 139 नंबर पर है ये हमारी ट्रम्पेट, ठीक है। अब मैं इसको दिखाता हूँ 139, ठीक है। तो इसको आगे करता हूँ, हाँ ये है 140 पर है इसकी जो ट्रम्पेट है, 139 से स्टार्ट है यहाँ। तो ये 140 नंबर की जो ट्रम्पेट है ये इसको बजा के दिखा देता हूँ। ये इसकी ट्रम्पेट बज रही है जो इसके अंदर आती है कीबोर्ड के अंदर। ये डेमो पीस है तो इसके अंदर परफॉर्मेंस की जो हमारी टोन है वो नहीं होती हैं, ये सभी बनानी पड़ती हैं। तो चलिए, मैं परफॉर्मेंस का मैंने सेव किया हुआ है इस टोन को जो मैंने बनाई है। तो मैं अपना बैंक प्रेस करता हूँ और मेरा बैंक 8 में 4 नंबर का ये मैंने शायद, अब देख रहे हैं आप ये टोन और उस टोन में कितना फ़र्क है ज़मीन आसमान का। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने वॉइस का जो बटन है उसको प्रेस किया तो ये ट्रम्पेट की वॉइस हमारी आ गई, ठीक है दोस्तों। अब किस तरीके से मैंने इसको बनाया है तो आइए चल, ये मैं इसका आपको डेमो पीस दिखा देता हूँ, जिससे कि आप भी अपने कीबोर्ड में टोन बना सकें। तो चलिए मैं फंक्शन पर चलता हूँ। पहले ये फंक्शन देख रहे हैं आप, मैंने प्रेस किया, अब यहाँ आ गया। अब मैं कैटेगरी से इसको प्लस माइनस कर रहा हूँ। तो मैंने जो इसके अंदर पैरामीटर रखे हैं वो पैरामीटर आप भी रखें तो सेम यही टोन आपकी बन जाएगी, ठीक है। मैंने ट्रांसपोज को 0 रखा है, ट्यूनिंग 440, पीवी रेंज 2.02, स्प्लिट पॉइंट मैंने स्प्लिट यानी ये वाला जो कॉर्ड के लिए होता है हमारा लेफ्ट हैंड का पार्ट, मैंने इसको 55 यानी यहाँ तक मैंने इसको रखा है, देख रहे हैं आप, इतना मैंने कॉर्ड के लिए रखा है इतना। और इसके बाद में फिर ठीक है, तो मैंने यहाँ तक इसको कॉर्ड के लिए रखा, यहाँ तक 55। तो ठीक है, स्प्लिट पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको 55 प्लस माइनस आप करके कम कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम टच सेंस। मैंने इसको ऑफ़ किया हुआ है, इसको मैंने टच नहीं दिया है। मास्टर वॉल्यूम दोस्तों 127, ऑक्टेव मैंने इसका 0 रखा है, और इसका मास्टर पैन 64, मास्टर रिवर्ब 60, मास्टर कोरस 120, मास्टर अटैक मैंने 0 किया हुआ है, मास्टर रिलीज मैंने 90 रखा हुआ है, मास्टर कट ऑफ 64, मास्टर कट ऑफ 64 रखा है मैंने, मास्टर रेजोनेंस 80 रखा है। अब ड्यूअल वॉइस में मैंने इसके जो सेकंड टोन रखी है, पहले हमने यहाँ से डबल को प्रेस करना है, इस वाले स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ ये लिखा हुआ आ जाएगा ड्यूअल, ये देखिए आप, ठीक है ड्यूअल। तो इसको हम प्रेस मैंने किया हुआ है, तो मैंने जो टोन रखी है सेकंड वो रखी है 147 की ब्रास सेक्शन की, ड्यूअल का वॉल्यूम रखा है मैंने 65, ड्यूअल का ऑक्टेव मैंने 1 रखा है, ड्यूअल का पेन 64, ड्यूअल का रिवर्ब 64, ड्यूअल का कोरस 0 कर दिया मैंने, ड्यूअल का अटैक ये देख रहे हैं आप 64,
रिलीज ड्यूल का 70, ड्यूल का कट ऑफ ये मैंने 64 रखा है, ड्यूल का रेजोनेंस 64, स्प्लिट वॉइस यानी जो हमने कॉर्ड के लिए रखी है वो मैंने 242 नंबर का, ये कौन सा टो है, ये एक टोन, तो इसको मैंने रखा है। स्प्लिट वॉल्यूम 70 रखा है मैंने कॉर्ड का, ऑक्टेव मैंने 1 रखा है, स्प्लिट का पैन 64, रिवर्ब 40, कोरस 0, रिवर्ब हॉल 3 रखा है मैंने इसको, कोरस 0, मास्टर इक्वलाइजर बूस्ट 2, वाइड ऑफ रखा है मैंने 4, हार्म टाइप ड्यूएट 01, हार्म वॉल्यूम 80, एआरपी टाइप ये मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया है, मैंने ये भी कुछ नहीं किया है, इन सब को छोड़ देना है। पीसी कार्ड लोकल ऑन, कीबोर्ड ऑन, स्टाइल ये मैंने नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। सॉन्ग आउट ये भी नहीं किया मैंने, ये सब कोई मैंने नहीं किया है, तो इसको मैं बढ़ा दूँगा। मास्टर वॉल्यूम 127, ठीक है दोस्तों। लेफ्ट राइट ये मैंने कुछ नहीं किया, स्टाइल वॉल्यूम 120 रखा है मैंने, जो मैं रिदम या प्ले कर रहा था अभी। और फिर आगे कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में हमें इसको सेव कैसे करना है, हमें जिस भी बैंक पर सेव करनी है, जैसे मैंने इसको बैंक 2 में सेव किया था, ठीक है, तो इसको मुझे बैंक प्रेस करना है। उसके बाद में मुझे जिस नंबर पे 1 2 3 4 बैंक मान लीजिए 1 हो या 2 हो, जैसे मेरा ये 8 है और 8 का मैंने जो 4 नंबर ये वाला पैड है, मैंने दोनों को एक साथ प्रेस किया, यहाँ पर ये मेरा 4 नंबर वो वाली टोन सेव हो गई, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने ये एक ट्रम्पेट की अच्छी टोन बनाई है। दोस्तों उम्मीद है कि ये टोन आपको पसंद आएगी, और बिना किसी को पैसा दिए आप ये टोन अपने कीबोर्ड में बना सकते हैं। और दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ और बदले में मैं इसका कोई चार्ज नहीं ले रहा आपसे। दोस्तों आप केवल मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। और जो मेरी वीडियो हैं उन्हें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।